हेलो दोस्तों, आज रेलवे एएलपी का पेपर था। पेपर इतना कठिन नहीं था, पहले जैसे ही था। आइए इसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टोरी ऑफ माय डिवोर्स बुक किसने लिखी थी? जुडी बालन ने। सिंधु रिवर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए थे। परसेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें 4000 का 54% निकालना था। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। नोबल गैस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए थे। इंडिया की पहली ऐसी महिला जो नेवी पायलट में थी, शुभांगी स्वरूप। एशियन गेम्स कहाँ हुए थे 2018 में? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। पशुपति कौन से भगवान का नाम है? लॉर्ड शिवा का, जिनका दूसरा नाम गॉड ऑफ एनिमल भी है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। छह पर्सनल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे जिसमें 6% रेट थी, 814 अमाउंट था और 2 साल दिए हुए थे। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पिच ऑफ साउंड, साउंड की पिच कैसे मेजर की जाती है? फ्रीक्वेंसी से। 2016 में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? इंडिया में हुए थे। डायमंड का स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आए थे। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। फ्रॉम विच स्टेट अरुण जेटली इज राज्यसभा मेंबर? अरुण जेटली कौन से राज्य के राज्यसभा के सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के। युद्ध अभ्यास से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। चेनानी नासरी टनल का उद्घाटन किसने करा था? नरेंद्र मोदी ने। फराडे का सेकेंड लॉ क्या था? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ऑड वन आउट, नंबर दिए हुए थे 4, उनमें से एक जो भी अलग था उसे निकालना था। इसमें 77 होगा क्योंकि 71, 73, 79 कोई से भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, 77 11 से डिवाइड होता है। अमीबिया का रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाइनरी फ्यूजन से। हाइड्रोजन के कितने आइसोट्रोप्स होते हैं? 3। वैक्सीन का इन्वेंशन किसने करा था? एडवर्ड जीनर ने। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन से क्या मेजर किया जाता है? किडनी। मिरर इमेज आया था स्ट्रॉन्ग का, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं? जब इसके साइड में होगा और वाटर इमेज नीचे आता है। एज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए थे। ब्रह्मपुत्र उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आसाम। आसाम की राजधानी क्या है? डिसपुर। वोल्ट मीटर का क्या काम होता है? वोल्ट मीटर वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में काम आता है। 0, 1, 8, 27 इसके बाद में कौन सा नंबर आएगा ये लिखना था। 0 का क्यूब क्या होता है? 0। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। यहाँ पे क्या आएगा? 64, जो कि 4 का क्यूब होता है। और वाटर इमेज से एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों, अभी तक हमें यही क्वेश्चंस मिले हैं। अगर हमें और क्वेश्चंस मिलेंगे हम जल्दी अपना वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पता चले तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।